हरियाणा के फतेहाबाद में सीएम फ्लाइंग टीम ने डीजल बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमारी की है। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी मात्रा में नकली डीजल तेल बरामद किया। ये खबर उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो हाल ही के दिनों में डीजल कीमत से कम दाम पर खरीद चुके हैं। हालांकि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सीएम फ्लाइंग की टीम ने डीजल बनाने वाली ऐसी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया जहां हूबहू डीजल के जैसे दिखने वाले तेल को तैयार किया जा रहा था और मार्केट में उसे डीजल बताकर कम कीमत में बेचा जा रहा था। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम को सूचना मिली कि गांव बवान में नकली डीजल बनाकर बाजार में सस्ते दाम पर बेचा जा रहा है। सूचना मिलने के बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की तो मामले का खुलासा हुआ। ये इसके अंदर ऐसा है जी, ये बाजार डीजल जैसा कोई तेल है, उसके संबंध में सूचना मिली है। उस संबंध के अंदर अपने सीएम फ्लाइंग टीम और खाद्य आपूर्ति विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग के एफएसओ श्री, एक अपना बाजार टैक्स के इंस्पेक्टर और एक अपना बाजार इंडियन ऑयल के एडिशनल मैनेजर, इनके साथ मिलकर भाई यहाँ बाजार टीम के ऊपर आगे इसकी जांच करी। इसके अंदर कुल तेल 155,660 लीटर। सीएम फ्लाइंग की टीम ने खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही कथित नकली डीजल के सैंपल लेकर गोदाम को सील भी कर दिया। वहीं फैक्ट्री से 1.5 लाख लीटर से ज्यादा डीजल बरामद किया गया। ये तो फिर हिमालय वैसे ले जाते हैं पेट्रोल पंप पर, तो नहीं पता रही है दोनों का, हम बाधे गाँव में ले जाते हैं और इसके बाद डीजल के नाम से बेचते हैं। जैसे विभागीय बाद कार्रवाई है उस हिसाब से ये अमल में लाई जाएगी। सैंपल ले जा रहे हैं खाद्य आपूर्ति विभाग ना, ये बात लाइसेंस वगैरह जारी करते हैं। यानी अब अगर आपको कहीं भी कोई भी सामान कम कीमत में मिलता है तो ऐसे में आपको बेहद संभल कर उसे खरीदने की जरूरत है, क्योंकि जो डीजल इस फैक्ट्री में बनाया जा रहा था उसे भी मार्केट में कम कीमत पर ही बेचा जा रहा था। जानकारी ये भी मिली कि फैक्ट्री में बना डीजल हरियाणा के अलावा पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ साथ नजदीकी राज्यों में सस्ते दामों में बेचा जा चुका है। जसपाल सिंह, फतेहाबाद, खबरें अभी तक।